वट्सएप yes, so, को कैसे अपने कॉम्प्यूटर में या आईपैड में चलाया जा सकता है अपने आपके पास लैपटॉप है कॉम्प्यूटर है तो उसके अंदर आप कैसे व्हाट्सएप को चला सकते हैं विंडोज हो या मैक हो ये मैथड दोनों में वर्क करेगी सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिखिए व्हाट्सएप फॉर विंडोज डाउनलोड तो ये जो फर्स्ट लिंक आएगी व्हाट्सएप डॉट कॉम डाउनलोड आप डायरेक्टली व्हाट्सएप डॉट कॉम पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड में चले जाइए तो ये पेज खुलेगा यहाँ पे व्हाट्सएप फॉर विंडोज ये लिखा है इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपको पूछेगा डायलॉग बॉक्स डाउनलोड कर दीजिए सेटअप अराउंड वन सिक्सटी एम बी का सेटअप है ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगा और मैक है तो यहाँ नीचे डाउनलोड फॉर मैक इसका वर्जन टेन पॉइंट टेन और हायर ये लिखा हुआ है तो ये इसमें ही चलेगा और विंडोज में विंडोज एट और हायर इसी में चलेगा अगर आपके पास विंडोज सेवन या एक्सपी है तो ये इसमें नहीं चलेगा और मैक के अंदर टेन पॉइंट टेन के नीचे है तो नहीं चलेगा एक बार ये डाउनलोड हो जाए तो ऐसे इसका सेटअप है डबल क्लिक करके इसको ओपन कीजिए इसको ओपन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है बट एक बार ओपन हो जाए तो ये उसके इंस्ट्रक्शन है बेसिकली क्या करना है आपको आपके फ़ोन के व्हाट्सएप में जाना है और जैसे आप क्यू कोड स्कैन करते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर तीन डॉट होंगे राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे, वहाँ पे बेसिकली व्हाट्सएप के आपके फ़ोन के सेटिंग्स में चले जाइए और सेटिंग्स के बाद आपको क्यू कोड स्कैन करना है तो मैं ये स्कैन कर रहा हूँ अभी आपको व्हाट्सएप वेब डायरेक्टली आपके फ़ोन में दिख रहा है तो व्हाट्सएप वेब पे क्लिक कर दीजिए सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली व्हाट्सएप वेब करेंगे क्यू कोड स्कैन का ऑप्शन आएगा और ये लीजिए एक बार स्कैन हो गया तो ये खुल जाता है आपके सारी चैट्स यहाँ पे दिखेगी कॉन्टेक्ट्स सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैं इसको फिर से बंद करके ओपन करने का ट्राई करता हूँ देखते हैं कि ये हर बार क्यू आर कोड स्कैन करने का पूछ रहा है या नहीं जी नहीं नहीं पूछ रहा है आपके सामने रिजल्ट है मैंने क्यू आर कोड एक ही बार स्कैन किया उसके बाद जब मैंने सेकंड टाइम बंद करके ओपन किया तो इसने तो मुझे क्यू आर कोड के लिए नहीं पूछा ये डायरेक्टली ओपन हो गया और अगर आपको ये देखना है कि एक ही फोन के अंदर दो व्हाट्सएप कैसे चला सकते हैं तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है आपको लिंक ऊपर मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी आप उस पर क्लिक करके एक ही फोन में दो व्हाट्सएप अलग अलग, अलग नंबर से कैसे चला सकते हैं वो भी देख सकते हैं ये था हम कंप्यूटर में या लैपटॉप में कैसे वर्क कर सकते हैं अभी आपको क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं है आप अपने फोन से भी अनइंस्टॉल कर देंगे व्हाट्सएप की एप्लीकेशन तो भी चलेगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर ये आपके लिए वर्क किया है थैंक यू